हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास टेंथ साइंस की ओसवाल की बुक्स। ये मैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो कि सीबीएसई बोर्ड ने 22 मार्च 2024 को रिलीज़ किया था। मैं 2025 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का रिव्यू दूंगा कि आपको ये बुक बाई करनी चाहिए कि नहीं बाई करनी चाहिए, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बुक का हमारा फ्रंट व्यू हो गया। इसमें आपको सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास टेंथ साइंस और सवाल बुक्स फॉर 2025 एग्जाम के लिए लिखा रहेगा, और पीछे आपको हमारे जीतू भैया मिल जाएंगे। और इस बुक का ऑफलाइन प्राइस आपको 700 रुपीज़ से मिलेगा, और अगर आप मेरे लिंक से बाई करते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस बुक के अंदर सिलेबस मिल जाएगा जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड ने लेटेस्ट सिलेबस रिलीज़ किया है। वो आपको सिलेबस मिल जाएगा, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी सिलेबस दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, मतलब इसी ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिया हुआ है, और साथ ही उसका सोल्यूशन भी दिया है। मतलब क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन दोनों दे दिया है 2024 एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आपको इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से मिल जाएगा। कोई भी इन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया हुआ है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो, सब कुछ क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिया हुआ है। आपको इसको सबसे एंड में करना है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तब आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट होने के बाद आपको यहाँ से चैप्टर वन स्टार्ट होता है। चैप्टर वन में आपको सबसे पहले रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। मतलब पहले इन्होंने चैप्टर वन को टू टॉपिक में बांटा हुआ है। टू टॉपिक में, पहले टॉपिक में आपको सबसे पहले रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। कलरफुल नोट्स है, मतलब इतने अच्छे नोट्स है कि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ लेता, तो आपको यहाँ पर भी कौन सी ईयर में पूछा गया है सब कुछ लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नोट्स कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस बुक के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आपको इस बुक में हर एक चैप्टर का माइंड मैप भी मिल जाता है। मतलब चैप्टर, पहले चैप्टर स्टार्ट होगा फिर माइंड मैप भी मिल जाएगा। माइंड मैप क्या करता है, आपको रिविजन करने में एकदम ईजी रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जैसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एस रिजर्वेशन, एमसीक्यू क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दिए हैं हर एक चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसका क्वेश्चन है, उसके बाद इसका आंसर भी है, सब कुछ है आपको यहाँ पे। और साथ ही साथ इन्होंने ना कॉमनली मेड इरर दिया है। कॉमनली मेड इरर वो होता है जो जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो भी बताया गया है। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं ताकि आप आंसर को बेस्ट से बेस्ट दे पाओ, ताकि एग्जाम में कोई भी मार्क्स ना कट कर पाए। यहाँ पे हमारा और हर एक क्वेश्चन में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट अप्लाइड भी दिए हैं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी इन्होंने बताया हुआ है। मतलब अगर आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे कर लेते तो लेते हैं तो अगर आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाएगा तब पर भी आप अपने आप कर सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन कब आया है वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, यानी सभी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। यहाँ पर हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी इन्होंने अच्छे से किया हुआ है, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कब से कब कौन से क्वेश्चन आए हैं ये भी बताया हुआ है, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाइड भी बताया हुआ है। उसके बाद हमारा चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक टू हो गया, इसका भी आपको सबसे पहले रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ मिनोमोनिक्स भी मिल जाएगा। मतलब आपको कैसे कुछ टॉपिक याद कैसे करने हैं उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स मिल जाएगा। मिनोमोनिक्स मतलब ट्रिक्स ही होते हैं। उसके बाद ऐसे इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉमनली मेड इरर मिल जाएगा, आंसरिंग टिप मिल जाएगा, और पी वाई को सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर और है कि आपको टॉपर की आंसर शीट भी मिल जाएगी, मतलब टॉपर कैसे आंसर लिखे हैं क्योंकि फुल मार्क्स मिले हैं, आप वो भी एक बार देख लीजिएगा इस बुक को बाय करके।
यहाँ पर भी आपको टॉपर का आंसर शीट लगाया गया है। उसके बाद हमारा चैप्टर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एस रीजन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। एस रीजन रीजन आपके एक दो क्वेश्चन हर हाल में आते हैं एग्जाम में, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी एक आते ही आते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के न्यू रूल के अकॉर्डिंग आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को इन्होंने अच्छे से क्वेश्चन भी किया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिया, कहाँ से लिया गया वो भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन की किया है कि ऑप्शन सी ही क्यों करेक्ट होगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एस रीजन रीजन क्वेश्चन होता है, एस रीजन रीजन भी आपको हर एक चैप्टर वाइज में अच्छे से दिया गया है, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है वो भी गिवेन है। उसके बाद हमारा केस बेस्ड एमसीक्यू है, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आपका एक जरूर आएगा, तो इसलिए आप केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाइएगा वहाँ, इसमें वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए गिवेन है, और साथ ही साथ सबका आंसर भी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको दो टाइप के मिलते हैं, एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक आपको सब्जेक्टिव टाइप का, मतलब एक एमसीक्यू रहेगा, कभी कभी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने दोनों यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है। और फिर आपको जो बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गिवेन था वो भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आप एक बार बुक बाई कर लेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको हर एक चैप्टर के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है कि अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको एक कंप्लीट चैप्टर का आइडियो साउंड देगा, आइडियो साउंड से आप सुन के अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और भी इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और सब कुछ आपको बताया गया है कैसे कैसे क्या पढ़ना है, तो आप एक बार एक बुक को देख लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिकल भी इसमें दिए गए हैं। ऐसे हमारा सभी चैप्टर का है, सबसे पहले आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे माइंड मैप भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा और टॉपर्स का आंसर शीट आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आपको हर एक चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आप एक बार इस बुक को बाय करके देख लीजिएगा, और साथ ही साथ बायोलॉजी में आपको अच्छे से डायग्राम भी मिल जाएगा, तो इसलिए कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार इस बुक को बाय करके अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो आपको फुल में से फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और हर एक मतलब तीन चार या पांच चैप्टर के बाद कंप्लीट होने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया गया। सेल्फ असेसमेंट पेपर वो होता है जैसे कि आपके एग्जाम में पीरियडिक टेस्ट नहीं होते, मतलब दो तीन चार चैप्टर के बाद आपको एग्जाम में टेस्ट होते हैं, वही हमारा सेल्फ असेसमेंट पेपर करके दिया गया है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ऐसे मतलब सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आपको उसको खुद सॉल्व करने हैं। खुद सॉल्व करने के बाद अगर आप अपना मार्क्स की इसका मार्क्स एवेल्युएट करना चाहते हैं और साथ ही साथ इसका आंसर पाना चाहते हैं, आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको इस पेपर का आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सभी चैप्टर और सभी तीन चार चैप्टर के बाद आपको पेपर मिल जाएगा। लास्ट में इन्होंने तीन प्रैक्टिस पेपर भी दिए गए हैं, जैसे आप कंप्लीट चैप्टर हो जाता है उसके बाद आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है जो कि स्टार्टिंग में गिवन था। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, तीन प्रैक्टिस पेपर है, तीन प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिएगा विद टाइम लिमिट के साथ, आप टाइम लगा के बैठिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको अगर इसका भी मार्क्स या आंसर चाहिए तो उसके लिए आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और अपने मार्क्स आप एवेल्युएट कर लीजिएगा। बाकी यह बुक आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो यह बुक बहुत अच्छी लगी, आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके पहले मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक अपलोड कर दी थी, मतलब उसका भी रिव्यू दिया था, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको मेरे चैनल पर क्लास 10th का साइंस का हैंड रिटन नोट्स और सोशल साइंस का हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो, अभी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और इस बुक का बाय लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप बाय करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। और आने वाले टाइम पे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसका बुक का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी ग्रुप 9-12, तो वहाँ पर जाके आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और यह बुक आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।